तो मुनव्वर फारूकी की वजह से हुआ है अनुराग डोभाल का शॉकिंग एलिमिनेशन, यानी कि मुनव्वर ने अनुराग का पत्ता कट कर दिया। तो क्या है पूरी डिटेल, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि बिग बॉस ने जितने भी एक्स कैप्टन है उन सबको मौका दिया एक एक को नॉमिनेट करने का, और नॉमिनेशन के बेस पे तुरंत ताबड़तोड़ एलिमिनेशन हुआ। तो आपको बता दें कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें बिग बॉस कहते हैं कि ये मतलब जो है मैं कैप्टन और एक्स कैप्टन दोनों को ये पावर देता हूँ कि वो अपने हिसाब से किसी एक सदस्य को नॉमिनेट कर सके, जिसपे औरा जो है वो अभिषेक का नाम लेते हैं, ईशा जो है वो आयशा का नाम लेती है, और फिर मुनव्वर जो है वो अनुराग का नाम लेते हैं। फिर तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, और फिर जितने बाकी के कंटेस्टेंट रहते हैं उन लोग से सबसे आपसी सहमति के हिसाब से पूछा जाता है, और उस हिसाब से अनुराग को कम वोट मिला है हाउसमेट के हिसाब से, और इस वजह से अनुराग जो है वो शो से बाहर हुए। हालांकि बाहर होने से पहले अनुराग ने कहा कि यहाँ पे लोग अपना दोगलापंती दिखाते हैं। अभिषेक ने भी कहा जिसे अपना माना उसी ने धोखा दिया। आयशा भी कहती है कि भाई जिसके लिए लड़ते रहे आज वो सामने खड़े हैं, और हम यहाँ मतलब कैप्टन को इतना पावर दे रहे हैं बिग बॉस की, कैप्टन कभी भी किसी को भी ताबड़तोड़ शो से निकाल सकते हैं। आयशा का तो ठीक है, ऐश्वर्या का जो एलिमिनेशन हुआ ईशा ने निकाला, ईशा ने आयशा को नॉमिनेट किया, और समर्थ ने रिंकू को एलिमिनेट किया जो रिंकू शो से बाहर हो गई, विक्की ने नील को बिना रीजन नॉमिनेट कर दिया जिस वजह से नीला घर से बाहर हो गया, मुनव्वर ने यूके राइडर को बाहर कर दिया। हालांकि इन सबको देखने के बाद बाबू भैया के फैंस काफी गुस्साए हुए भी हैं। तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इन सब पे, आपको क्या लगता है अनुराग गोपाल का जो एडिक्शन है वो फेयर है या अनफेयर, कमेंट में बताएं। और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गपशप 2।